Jayant Chaudhary also taking charge. The pictures of Jayant Chaudhary being welcomed at his ministry. He has been appointed as Minister of State in Scale Development, Education Ministry as well. Jayant Chaudhary, remember, had joined the National Democratic Alliance of the NDA after his grandfather Chaudhary Charan Singh. Rashtriya Lok Dal Chief Jayant Chaudhary, among the 71 ministers who had taken oath with Prime Minister Narendra Modi on Sunday. He has been appointed as the Minister of State, Independent Charge of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and Minister of State in the Ministry of Education. Jayant Chaudhary has taken charge, and so has Chirag Paswan. These are pictures of the young mantris who are in fact taking charge today, among dozen and more mantris who are taking charge and a part of the Modi cabinet, Modi 3.0. Chirag Paswan also a key ally, and so is Jayant Chaudhary. Important ministries have been allotted to BJP allies as well, from LJP and JDU, also TDP. Chirag Paswan is one among the many ally partners. Jayant Chaudhary also is taking charge. Chirag Paswan is the Minister of Food Processing Industries. Jayant Chaudhary has taken charge as MOS Skill Development. Chaudhary appointed as the Minister of State, Independent Charge in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Also Minister of State in the Ministry of Education. Chirag Paswan is the Minister of Food Processing Industries. Pictures of Paswan along with his family members, also Jayant Chaudhary, taking charge in their respective mantralayas today. मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ. बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी. सर, प्रधानमंत्री जब 2014 में सरकार बनी तो ये विभाग बनाया गया प्रधानमंत्री का, एक ड्रीम डिपार्टमेंट की तरह इसको तैयार किया गया. आप युवा हैं, युवाओं की जॉब की बात करते हैं, युवाओं को स्किल बनाने की बात करते हैं, अब इसकी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से इसको? हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है. तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है. इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है, उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करेंगे. जैन जी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का एक खास सिनर्जी चाहिए. सो आप एमओएस भी है वहाँ का, तो आप ये कैसे आगे बढ़ाएं? शायद इसलिए वो जिम्मेदारी दी गई है, और ये खास मंत्रालय है क्योंकि स्किल की मैं बात करूं, उसका एप्लीकेशन जीवन के हर क्षेत्र में है. स्किलिंग, रीस्किलिंग, बल्कि एजुकेशन से जो बहुत बुनियाद होती है इंसान की, जहां स्थापित होती है, वहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप के हम विकसित कर देंगे, तभी वो एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे. सर, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आप बढ़ावा देंगे?
we'll disclose our plans with time. पहली बार नहीं है, एनडीए की सरकारें पहले भी बनी है, बहुत लंबा अनुभव है. प्रधानमंत्री जी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जमीन की बात समझते हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं होती हैं उसको भी समझते हैं. देश के हर वर्ग को साथ ले जाने की शक्ति उनके अंदर है, सामर्थ्य है और इसलिए अलायंस पार्टनर्स की एक विशेष भूमिका उन्होंने बनाई है. और जैसा कि पहले मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी. सर, मंत्रालयों में एक ये कहें कि यूपी का दबदबा रहा है और फिर यूपी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाया जिस तरह से नतीजे जब आए, तो सर एक प्रतिक्रिया. यूपी बड़ा प्रदेश है और देश के लोकतंत्र में बड़ी भूमिका है, प्रधानमंत्री यूपी के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस नाते देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की देश को आगे ले जाने में हमेशा भूमिका रही है, राजनीतिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में रही है, आगे भी रहेगी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सेटिस्फाई तो नहीं हुए होंगे लेकिन अभी थोड़ा. पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ. फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है. ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है. स्कोप हद से ज़्यादा है. अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. कृषि प्रधान देश है हमारा और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके. ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी. कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है. आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए. तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया. और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया. उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं. सोच के साथ आगे बढ़ा. 100 दिन का रोड मैप क्या है आपके मंत्रालय का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे हैं. मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूं, जान लूं. बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना. इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें हम लोग, पूरी तरीके से समझ लें, 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से earlier to that India Alliance was saying that they were calling India leaders to make them prime minister. Now they are saying that it's a Jhunjhuna vibhag which the alliance partners are getting. Bihar ke logon ko khas taur se kuch mila nahi. Bihar has got 8 ministries but still they are taunting. Well, I have said this repeatedly that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the netritvakarta, the person who's leading the thing. I have given example of my father. जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है. और ख़ास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें,
फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहाँ पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहाँ पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहाँ पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है।